चारों तरफ इतना बड़ा बड़ा नर्सिंग होम कॉरपोरेट सेक्टर सब खोल के रखा है, दिन भर पैसा के पीछे लोग छूट माने घूम रहा है, जा रहा है, इधर उधर कर रहा है, लेकिन गरीब लोगों के पीछे साथ में कोई नहीं है। 300 रुपया का नॉर्मल डिलीवरी, सीजर का 3000 रुपया। यहाँ बेड चार्ज भी कम है, मेडिसिन चार्ज बाकी जगह से यहाँ पे बहुत ही कम रेट है। जो मजदूरी करता है, जो शेड का दुकान में कमाते हैं, जो जंगल में लकड़ी लाके जाते हैं, जो ठेला वाला है, अपना पेशेंट सब यही लोग है। ये 81 का बात है हाँ। ये एक कॉमरेड थी, वो कुसुम भाई का मृत्यु हो गया था। उस समय जो है उन्होंने उनको प्रेग्नेंट थी और प्रेग्नेंट में कुछ को प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ, उसके कारण उनको डेथ हो गया था। शंकर गुहा नियोगी जिन्होंने जो है जो हमारा जो संगठन है छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का स्वास्थ्य के लिए संघर्ष करो नारा दे के जो है इन्होंने तय किया था कि हम स्वास्थ्य के लिए कुछ काम करूँगा। मजदूरों के पास जो है एक आवेदन किया था, मजदूर ने जो है फिर वो तैयार हो गया था और 109 मजदूर का एक स्वास्थ्य कमेटी बना था, जो कमेटी जो है शुरू में जो है देखभाल करते थे। संगठन हो करके हमारी नियोगी जी है जो हम हॉस्पिटल बनाएंगे ये कह करके वहाँ है जो वचन उपदेश किया, तो हम मजदूर श्रमिक संघ एकत्रित होकर के हॉस्पिटल को बनाया। दिन में हम पहाड़ी काम करते थे, रात में शाम का आकर के एक घंटा दो घंटा जैसा बनता था वैसे सिरमिट चूना खुदाई ये किया। हमारे एरियास मिलता था उसमें ना, उसके भुगतान के लिए हम एक महीना का अपना एरियास उसको हम हॉस्पिटल बनाने के लिए देता था। हमको थकावट नहीं होता था क्योंकि यार अपने ही बना रहे हैं आकर के, हमको अच्छा महसूस होता था। हमारे लिए है, हमारे पर आने वाले परिवार के लिए है, यहाँ कह करके हॉस्पिटल के लिए बहुत उत्सुक था हम सब। मजदूरी के मेहनत में बने हॉस्पिटल शहीद के नाम हवे, मजदूरी के मेहनत में बने हॉस्पिटल शहीद के नाम हवे, अस्पताल के कर्मचारी मन सब लागा समझावत है, हाँ सब लागा समझावत है, गली गली औ पारा मोहल्ला में सबला बात बतावत है, सबला बात बतावत है, कर ले साफ सफाई गली खोर के, गंदगी ला दूरी हा भगा के, गंदगी है बीमारी के जड़गा। हम लोग तो 2000 रुपये में वो शुरू किया था, डिस्पेंसरी से शुरू किया था, उसमें कोई सुविधा नहीं था। हमने जो है ना सारी चीज़ जो है हमको खुद को डेवलप करना पड़ा और उसी में धीरे 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 लोगों को जानकारी भी हुआ। शुरू में तो मैं डिस्पेंसरी था, उसमें गोबर वोबर लिपती थी, दवाई वाई देती थी। पहले तो जानकारी नहीं था ना हम लोगों को, सिरप देना है कि टेबलेट देना है बोल के, फिर धीरे धीरे करके जानकारी होते गया तो हम लोग अपने मन से देना शुरू कर दिया। मान लो कोई मेरा तबीयत खराब हो गया, मेरे बदले में नाइट ड्यूटी करते थे, सिरप देते थे, टेबलेट देते थे, इंजेक्शन लगाते थे, सीख गए तो नाइट ड्यूटी भी करते थे। और हम लोग दूसरे इंस्टीट्यूट के साथ भी संपर्क बनाया, उन्होंने क्या करता है हम लोग क्या करता है, उसको सस्ता क्या भर्सन हो सकता है, कैसे उसको भले उतना उपयोगी होगा लेकिन सस्ता होगा, तो ये सारी चीज़ जो है हम लोग डेवलप किया। उस टाइम अस्पताल थोड़ा छोटा था, तब भी भीड़ था, उस टाइम स्टाफ भी कम थे, अभी स्टाफ भी बढ़ गए हैं, अस्पताल भी बढ़ गया है, तब भी बरामदा में पेशेंट लोग मतलब अपने खुद घर के खाट ला के बिछा के सो जाते थे, और अभी भी तीसरा बिल्डिंग तक बन गया है फिर भी फ्लोर में पेशेंट ऐसी जमीन में रहते हैं, तो पेशेंट तो अभी भी है ही। लाइफ स्टाइल की वजह से लोग जो है अभी डायबिटीज से और हाइपरटेंशन से इससे लोग ग्रसित होते जा रहे हैं, तो इनके भी मरीज काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसी सब समस्या को देखते हुए शहीद हॉस्पिटल
हर महीने के एक लास्ट मंगलवार को स्पेशल ओपीडी चलाता है, तो वो जो होता है सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक। तो उस दिन फिर डायबिटीज़ के अलावा फिर दूसरे मरीज ओपीडी में नहीं आते। मानसिक जो रोगी हैं उनका संख्या भी बढ़ने लगा है, लोग जाने लगे हैं, तो वो मरीज भी यहाँ पे आने लगे हैं। शहीद हॉस्पिटल सिर्फ लोगों को सिर्फ मेडिसिन देके ठीक करना ये ऐसा नहीं है, लोगों को सामाजिक तौर पे भी उनको अच्छा सलाह दिया जाता है और लोगों का काफ़ी जुड़ाव है, अपनापन है हॉस्पिटल से। तो सामाजिक कार्यक्रम जैसा होता है तो वो भी शहीद हॉस्पिटल आयोजित करता है, और कम्युनिटी प्रोग्राम है वो भी आयोजित होता है। आज भी जो है हम लोग को विशेष रूप से जो आधुनिक एलोपैथिक इलाज और दूसरा जो है जो आयुर्वेद इलाज है, ये दोनों इलाज जो है और लोगों ने बहुत सालों से जो चीज़ प्रैक्टिस में लाता है उसको भी हम लोग लड़ने की कोशिश करता हूँ। जो है जो डिलीवरी में जो है लोगों ने जो है जैसे छोटा बच्चा को पेट सिकाई करता है, तो उसमें हम देखता हूँ जी इसमें कोई ख़राब कुछ नहीं है। हम भी जो है लोगों को बोलता हूँ जी ठीक है आप जो है उसमें पेट सिकाई करो, उसमें कोई ख़राब चीज़ नहीं है, उसमें आप कर सकता। आमतौर पर बाज़ार में जो है सिराप मिलता है, हमें सिराप के खिलाफ जो है लोगों ने जो सौंठ अदरक का जो नींबू का जो चाय पीता था उसको ही हम प्रमोट करता हूँ, उसमें जो है लोगों ने जो है तो ये पारंपरिक उनका बहुत सालों से जो है लोग इस्तेमाल करता है। ये हम लोगों के लिए सबसे जो बड़ा चुनौती है वो है डॉक्टर जो जुगाड़ करना, क्योंकि डॉक्टर जो है हमारे लिए सबसे बड़ा मुश्किल का काम है, क्योंकि इस जो धरना है इसी में काम करने का डॉक्टर जो है बहुत कम मिलता है, और इसलिए कोई भी डॉक्टर आता है तो बहुत ज़्यादा दिन नहीं रहता है, 4-5-6 साल रहने के बाद चला जाता है। तो इसलिए डॉक्टर जुगाड़ करना जो है हमारे लिए जो है बहुत बड़ा एक समस्या है। दूसरी समस्या जो है हमारा जो संगठन के जरिए ये एक आंदोलन से एक अस्पताल बनाता है, तो आज जो है उतना आंदोलन नहीं है, तो इसलिए जो है एक अस्पताल के लिए जो वॉलंटरी वर्कर हो, फिर दूसरा जो वर्कर है जो हमारा मजदूर परिवार से जो वर्कर है ये भी धीरे 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 कम हो रहा है, ये हमारे लिए एक मुश्किल का काम है। काम ठेकेदारी के जरिए से मजदूर संगठन के जो काम है वो बंद हो गई है, ओकर जरिए से थोड़ा ये मनहा कमजोर पड़ गई है, खबर की बंद हो गई है काम है। तो अपन कुछ ना कुछ खाना पीना पर थोड़ा दूसरा जगह ये मन है जावा थी, ओकरे सती ना हमारे संगठन में थोड़ा मजदूर के काबर पब्लिक नहीं आए थे कैसे थी, थोड़ा कमजोरी हो गई है, ज़्यादा कुछ नहीं है। हमारा अभी के जो संगठन के युवा पीढ़ी है तो हम तो यही कथन कि नियोगी जी के जो सपना है वो सपना ला तुम अच्छा से सहकार करो, संगठन मजबूत बना के रखो, अपन जो संगठन एकता में जितना ताकत है उतना एक झन में नहीं है। हमार मजदूर संगठन के अस्पताल है, ये कोई सरकारी न है न गवर्नमेंटी न है, क्योंकि ज़्यादा लगा जनता का नाम के तुम्हार काम के जनता हमन जी रखवाला, इनकलाब जिंदाबाद, दुनिया के मजदूर एक हो, तुम्हार सुल्तान नहीं भुलाए जी, भुलाए जी गांधी बाबा, नियोगी नेता, फुल लाल हरा झंडा, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।